अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। दोस्तों आपके साथ आईपीएल 2022 के हवाले से अहम तरीन अपडेट्स शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि बिल आखिर तवील अरसे के बाद एक तवील लीग का इख्तिताम हो चुका है और जॉस बटलर जो है वो रो पड़े हैं। लेकिन क्यों रो पड़े हैं, इस हवाले से आपके साथ अपडेट शेयर करूंगा। और इसके अलावा भारत के अंदर सिर्फ एक ही नाम गूंजा इस वक्त, वो है हार्दिक पांड्या का। लेकिन क्यों, मुकम्मल तफसील से आपके साथ ये अपडेट्स शेयर करने जा रहा हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, आईपीएल को नई चैंपियन टीम मिल चुकी है। पहली मर्तबा मैदान में उतरी थी गुजरात टाइटंस की टीम। राजस्थान रॉयल्स के साथ फाइनल मुकाबला था गुजरात टाइटंस का और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से इस मुकाबले को अपने नाम किया और पहली मर्तबा टाइटल भी अपने नाम किया। पहली मर्तबा टीम मैदान में उतरी, यानी कि आईपीएल खेलने के लिए पहली दफ़ा जो है वो आई और पहली दफ़ा ही चैंपियन बन गई। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में चैंपियन बनी है गुजरात टाइटंस की टीम। डेविड मिलर, राशिद खान और हार्दिक पांड्या को बहुत ही अहम रोल रहा है गुजरात टाइटंस को चैंपियन बनाने के लिए। इन्हीं तीनों खिलाड़ियों की बदौलत गुजरात टाइटंस फाइनल तक पहुंची और बेहतरीन कामयाबी समेटी है। इसके अलावा जॉस बटलर राजस्थान रॉयल्स की नुमाइंदगी कर रहे थे, वो इस वजह से रो पड़े। वो जब जाते ड्रेसिंग रूम में तो वो शेन वॉर्न की तस्वीर देखते, उनका यानी कि एक और ख्वाब पूरा कर देते अगर राजस्थान रॉयल्स को वो चैंपियन बना देते, क्योंकि उन्होंने 673 रन जो है वो बोर्ड पर लगाए हैं, सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं आईपीएल के अंदर। विराट कोहली के इससे ज़्यादा 900 के ऊपर है, लेकिन उन्होंने इस साल सबसे ज़्यादा बनाए थे जॉस बटलर ने, लेकिन वो चैंपियन नहीं बना पाए तो उनका सपना जो है वो पूरा नहीं कर पाए। तो आईपीएल को नई चैंपियन टीम तो मिल गई है, लेकिन जो हार्दिक पांड्या उनके बहुत ही ज़्यादा इस वक्त चर्चे हो रहे हैं इंडिया के अंदर। अगर आपको वीडियो चलेगी तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़।